हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में महान व्यक्तियों, प्रसिद्ध हस्तियां और विभूतियों के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में जो जुड़ी जानकारी होगी उसको भी देखेंगे। ये जो महान व्यक्ति, प्रसिद्ध हस्तियां और विभूतियां हैं, उनको कौन सी उपाधि मिली है, कौन सी पदवी और कौन सा उपनाम मिला है, इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर इनको जो उपाधि, पदवी या उपनाम जो मिला हुआ है, इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। इन सबों से क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जामों में इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। दोस्तों, ये जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, विभूतियां हैं या महान व्यक्ति हैं, इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं योगदान दिए हुए हैं, इन कारणों से ये प्रसिद्ध भी हुए हैं और इस कारण से इनको उपाधि, पदवी या उपनाम भी मिला है। तो हम लोग आज प्रसिद्ध हस्तियां, विभूतियां और महान व्यक्तियों के बारे में देखेंगे और उनको जो उपाधि, पदवी और उपनाम मिला है, इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उपनाम जो मिला है वह किसको मिला है, इस प्रकार से इसको देखेंगे। तो भारत का नेपोलियन, तो यह है उपाधि या उपनाम या पदवी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, राष्ट्रपिता या बापू, तो यह महात्मा गांधी जी को कहा गया है या उनको दिया गया है। लौह पुरुष, सरदार, लौह पुरुष या सरदार, तो यह कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चाचा जी, तो चाचा जी कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है सीमांत गांधी, या इसको इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को कहा गया है, और साइमन कमीशन के विरोध में इन पर लाठियां भी बरसाई गई थी, तो यह भी ध्यान में रखनी है। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय को कहा गया है। बंगाल केसरी की बात करते हैं तो आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, और आंध्र केसरी की बात करते हैं तो यह टी प्रकाशम को कहा जाता है। गुरुदेव या विश्व कवि या कवि गुरु, तो यह है उपाधि, पदवी या उपनाम। तो गुरुदेव, विश्व कवि या कवि गुरु, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो यह भी ध्यान रखनी है। नेताजी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष, तो वयोवृद्ध पुरुष दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है, या दादाभाई नौरोजी को कहा गया है वयोवृद्ध पुरुष, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखनी है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो यह है दादाभाई नौरोजी। शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री को कहा गया है। देश रत्न या अजात शत्रु, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीनबंधु C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, बंगबंधु। लोकमान्य, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है या कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, राष्ट्रपिता या बापू, महात्मा गांधी, लौह पुरुष या सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, चाचा जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, इस प्रकार से ये जो हैं महान व्यक्तियाँ या प्रसिद्ध हस्तियाँ या विभूतियाँ, और इनको जो उपाधि, पदवी और उपनाम मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वह है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ऐसे ऑप्शन मिलता है इसका, और अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। और सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, इसे भी क्वेश्चन अक्सर बना हुआ है और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता ही जाता है, तो ये दोनों हैं
साथ ही साथ वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बना ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये सारे जो मैंने बताया महान व्यक्ति, प्रसिद्ध हस्तियाँ या विभूतियाँ हैं, उनको जो उपाधि, पदवी और उपनाम मिला है, उन सबों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान रखनी है। आगे भी हम लोग और कुछ ऐसे ही महान व्यक्ति, प्रसिद्ध हस्तियाँ, विभूतियाँ हैं और उनको क्या कहा जाता है, उसकी उपाधि क्या है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी हैं उन सारी चीज़ों को याद कर लेनी है, ध्यान रखनी है, ताकि इन सब से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आसानी से हम लोग सही कर सकें। थैंक यू दोस्तों।